जी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो कल की डेट में हमने वाइड मेन फंक्शन को देखा था, ये क्या होता है, रन नैप देखा था, कॉन्स्ट कीवर्ड को देखा था। ये देखें आपका कॉन्स्ट का क्वेश्चन था कि सर वो समय नहीं आ रही, इसको मैं ना भी यूज करूँ तो कोई मसला नहीं है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ये ग्रीन लाइन आ गई, वो बोल रहा है कि आप इसके ना अगेन इसके अगेंस्ट यानी कि एक कॉन्स्ट का वेरिएबल लगा दें ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगाना एक अच्छी प्रैक्टिस में आ जाता है। ठीक है, ओके, तो माय ऐप को देखा था हमने, फिर इसके बाद हमने मटेरियल ऐप को देखा था कि मटेरियल ऐप के कोई भी ऐप को हमने रन करने के लिए मटेरियल ऐप हमारा लाजमी है फ्लटर के अंदर, मेन चीज ये है। बिल्ड को देखा था कि बिल्ड क्या करता है, बिल्ड सारे मेथड्स को ज्वाइन करता है और जो एक चीज बनती है वो हमें डिस्प्ले में दे देता है। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर एक कोड लिखा था, देखा था कि यहाँ पे इस तरह ये कोड किस तरह विजिबल है। फिर हम उसको एक प्रोफेशनल वे में एक दूसरी स्क्रीन पे ले गए थे, एक अलग फोल्डर में रख के, और उसको वहां पे लेकर आए थे और देखा था कि वो यहाँ पे किस तरह हमें विजिबल होता है। क्लियर है जी सर। ओके, तो ये फिर एक ये हमारा स्कैफर्ड को हमने देखा था, एक ऐप बार होती है, ऐप बार क्या होती है, एक रो है, रोज क्या होते हैं ये हमने देखे था। आज हम कॉलम्स को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जब हमने इमेजेस यूज करनी है वो हम किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो मैं अपना एमुलेटर साथ में मैं रन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एज अ टाइम हर एक चीज दिखाई जा सके। बस एमुलेटर रन हो गया, जो टास्क मैंने आपको दिया था उसको अब मैं परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे से हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा एक प्रोफेशनल वे में लेके चलेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ इस तरह तो ठीक थी लेकिन ना एक अच्छे कोड किस तरह हम इस तरह लिख सकते हैं लेटर के अंदर रहते हुए। सर ये हम ग्रिड व्यू से भी कर सकते हैं ना? किस चीज़ के साथ? ग्रिड व्यू, मिड व्यू। जी सर, मिड व्यू तो मैंने नहीं यूज किया। हाँ, ये इसकी जगह आप ये वाला जो काम मैंने आपको टास्क दिया था ये वाला काम आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, क्या नाम है उसका, ग्रिड व्यू। हाँ, ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू के साथ भी आप कर सकते हैं, ग्रिड व्यू बिल्डर के साथ भी कर सकते हैं और उसके हाथ के भी आप वैसे भी कर सकते हैं, हार्ड कोडेड जो होते हैं उसका उसके साथ भी कर सकते हैं, ग्रिड व्यू के साथ भी आपका हो सकता है। तो ये चीज मैंने बताने का मकसद यही था कि ये चीज के लिए दूसरा मेथड मैंने आपको बताना ही था, एक ग्रिड व्यू है और यही आपकी मैंने असाइनमेंट देनी थी कि ग्रिड व्यू के साथ आप ये वाला लेआउट जो है वो बना के लेकर आए। चले, खैर आपने खुद ही बोल दिया तो आज मैं असाइनमेंट भी माइट भी आपको दे दूं कि आप ग्रिड व्यू के साथ जो है ना ये वाला एक बना दे। ठीक है जी, ये बन गया था, ये मैं आपके साथ स्क्रीन विजिबल कर देता हूँ। कल की डेटा में हमने ये बनाया था, ये देखा था ये ऐप बार क्या होती है, ये बैक का क्या बटन है। ठीक है, और हमने एक ये बनाया था, इसको थोड़ा सा हमने करने की कोशिश की थी रिस्पॉन्सिव, देखते हैं रिस्पॉन्सिव कितने। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ओके जी, तो ये वाला मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, अब हम कोड की जानी पाते हैं और कोड करते हैं। ठीक है, दिस इज ये स्कैफर्ड था, इतनी स्क्रीन या थोड़ा सा मैं आउट कर देता हूँ फिर थोड़ा सा ताकि इतना विजिबल है ना आप सबको। जी सर।
ओके तो जो ये रो को मैंने बस क्लोज किया और मैंने कुछ भी नहीं किया, इसके ऊपर मैं टैप करूंगा और ये मुझे साथ में एक छोटा सा बल्ब नजर आ जाएगा। बल्ब पे मैं आगे करूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है, इसको मैं कॉलम में कर दूंगा रैप। ठीक है, कॉलम में आने के बाद इसको मैं करूंगा क्लोज और इसको मैं करूंगा कंट्रोल डी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होने के बाद इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये अब हमें किस तरह विजिबल होगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। जी सर, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस ठीक है, तो सर। मैंने मैंने ये क्या काम किया कि मैंने ये इसको डुप्लीकेट कर दिया और ये इस तरह के एक व्यू हो गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक जी सर। लेट्स सपोज इस तरह का मैंने एक और बनाना हो, तो वो फिर मैंने ये रो को 3 दफा करूंगा, ऐसे ही है ना? जी सर। तो एक दफा और कर लेते हैं, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं उसको कॉपी किया जो काम पहले किया था, देखते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, अच्छा चौथी दफा मैं करूंगा तो एरर आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा आएगा होगा सर, बॉटम ओवरफ्लो का। बॉटम ओवरफ्लो का। एग्जैक्टली एरर आएगा क्योंकि हमने इस पे रिस्पॉन्सिव नहीं किया हुआ। तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? सिंगल चाइल्ड सिंगल स्क्रॉल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू चाइल्ड लगा देंगे। स्क्रॉल जो, जी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह करें। ठीक है, एक तो तरीका ये था, अब हम इसको ना थोड़ा से एक अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड में ये स्टॉप शेयर करके मैं स्क्रीन आपके साथ। अच्छा जी, एक तो ये तरीका था हमारे पास, दूसरा हमारे पास एक अच्छा तरीका ये था, मैं यहाँ पे वो जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर एक फोल्डर बनाऊँ, मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन के अंदर एक फोल्डर बनाओ कंपोनेंट्स। ठीक है, और कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक डार्ट फाइल, ओ सॉरी पैकेज नहीं, डार्ट फाइल बनाऊं। स्क्रीन विजिबल है ना कोडिंग वाली? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कौन सा, इसको क्या नाम दिया यार, कंटेनर को कस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट लेटर मटेरियल कर दूंगा। तो ये जो मैंने हम लोगों ने एक छोटा सा कंटेनर बनाया था, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा ये, और रिफैक्टर, और रिफैक्टर से मैं एक्सट्रैक्ट एज अ मेथड, एक्सट्रैक्ट एज अ फिल्टर विजिट, रिफैक्टर। तो ये न्यू विजिट हो गया, इसको मैं रीनेम करूंगा रीनेम करके, एक सेकेंड इसको रेनोवेट कर रहा हूँ। इसको मैं करूंगा रिफैक्टर और एक्सट्रैक्ट एज अ फ्लटर विजेट, और इसको मैं न्यू विजेट की बजाय दे दूंगा कस्टम। ठीक है, क्लियर है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मुझे मेरी पूरी क्लास बनी हुई, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा कट, और यहाँ पे जो मेरा कस्टम, ये जो मैंने एक अलग से एक फोल्डर बनाया था कंपोनेंट्स का, उसके अंदर मैं कर दूंगा पेस्ट। ये विजिबल है ना सबको, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो मैंने कुछ भी नहीं किया खास, कोई काम नहीं किया मैंने खास काम, मैंने सिर्फ एक काम किया कि वो जो मेरा एक कंटेनर बनाया हुआ था हम लोगों ने, तो उसको मैंने सिर्फ चेंज किया। ठीक है, अब ये मैं रोज है, अब मैं क्या काम करूंगा, रो, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये कंटेनर है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या कॉल करूंगा, सिंपल अपना कस्टम, कंटेनर। ठीक है, माइक पीस को कॉस्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट।
बाकी रो में भी देख लेते हैं क्या हुआ है जी। स्पेस पे कंटेनर है यहां पे, हम ये रिमूव कर देते कंटेनर को। फिर मैं कॉल कर देता हूं कस्टम इसको मैं कर देता हूं कॉन्स्ट। ये स्टैटिक है तो इसलिए मैं इसको कॉन्स्ट कर दूंगा। ठीक है, ये वाले कंटेनर सॉरी ये सेंटर है, कंटेनर नहीं है। ओके ठीक है, ये है कंटेनर, इसको मैं कर देता हूं यहां से रिमूव। यहां पे भी मैं सेम यही कोड कॉपी पेस्ट करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। ओके यहाँ भी कॉस्ट ऐड कर दूँ। ठीक है सॉरी यहाँ पे मैं ये कॉस्ट ऐड कर दूँ। ठीक, तो यहाँ पे कॉस्ट लगाने से क्या हो जाएगा, ये जितने भी स्किंदर होंगे वो सारे कॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है ओके, सेम है अभी, इसको मैं क्लोज करके ये नीचे वाली रो को डिलीट कर देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ठीक है, अब ज्यादा अच्छे से हो गया, मतलब वो जो कंटेनर का ये वाला जो कोड था ये हमें बार बार अब लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस सर, ये वाला कोड हमारा बहुत इजी हो गया। ये वाली चीज अब हमें बार 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 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ इसको एक दफा कॉल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इसको अब हम चला के देखते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं। स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। तो ये जो न्यू कोड है ये वो वाला एग्जीक्यूट हुआ तो देख ले बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब ये देखें इनके हार्ट के आइकन जो है सबके सेम हो गए हैं क्योंकि वो पीछे एक ही है कंटेनर। ठीक है, यस सर, सबके सेम आ गए, सबके सेम आ गए। सबके सेम क्यों आए, क्योंकि बैकएंड पे ये एक ही कंटेनर है। ठीक है, और उसका कोड बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जिस तरह हम एक ऑब्जेक्ट के एक से हमारे पास एक क्लास बनी होती है उसका एक ऑब्जेक्ट उसके मल्टीपल हम ऑब्जेक्ट बना सकते थे ना, सेम एज इट वही काम हुआ है। हम इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लेकिन बैकएंड पे जो हार्ड कोडेड डाटा दिया हुआ है वो सेम है। ठीक है, अब इसको हम डायनेमिकली देखते हैं कि अब हम इसको चेंज किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइकन का मैं बोलता हूँ, आइकन एक वेरिएबल है मेरा सेमी कॉलन, सॉरी यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं कॉस्ट का कीवर्ड रिमूव कर दूंगा। ताकि आप लोगों को थोड़ा ध्यान, ठीक है, और मैं दिस डॉट आइकन सर स्क्रीन में शेयर हो रही कोड वाली, कोड वाली स्क्रीन नहीं विजिबल, विजिबल है कोड वाले से तीन विजिबल है। यस सर, यस सर, ओके। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने हर एक कंटेनर पे तो मुझे सेम आइकन नहीं चाहिए, ठीक है, या सेम बैकग्राउंड तो नहीं चाहिए ना। मैं इस तरह फिर मैं क्या करूंगा, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर चीजें पास कर दूंगा। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर चीजें किस तरह पास करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ आइकन का, ठीक है, उसका नाम देता हूँ आइकन। ठीक है, क्लियर है जी सर। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, दिस डॉट आइकन आइकन करूंगा, वो मुझे बोलेगा कि भाई इसको मुझे एक ना डिफॉल्ट वैल्यू दो। आपने इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, अगर यह डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दोगे तो यहाँ पे एक लगा दे, एम्प्टी दे देना, लेकिन नल देने की बजाय मैं रिकमेंड करूंगा इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दे इज इक्वल टू आइकन
कल के मैं यहाँ से ये कोड कॉपी कर लेता हूँ कि मैंने हाँ आइकन डॉट हार्ट, ठीक है, डिफॉल्ट मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा हार्ट ही हो, तो वैसे लिख लेते हैं आइकन आइकन डॉट कॉन्स्ट लगाने से डिफॉल्ट वैल्यू जो वो बोल रहा है कि आपकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो हमेशा कॉन्स्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है जी सर? मतलब अब मैं उसको हार्ट नहीं दूंगा उधर से, कोई मतलब कोई आइकन मैं पास नहीं कर रहा तो वो ऑटोमेटिकली ये जो आपने इसको हार्ट दिया हुआ है ना वो हार्ट वो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना जी सर? अब वो मुझे एरर एक दे रहा है, ये आपने इसको कॉन्स्ट किया, आप इसको आप कॉन्स्ट से जरा रिमूव करें ना ये एरर चला जाएगा, आप इनको सिर्फ कॉन्स्ट करेंगे क्योंकि आप डायनामिकली चीजें उसके अंदर जाएंगी तो फिर वो एरर देगा, कॉन्स्ट कर दें और इसको कॉन्स्ट कर दें, कॉन्स्ट को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बाकी कोई इशू नहीं। अब मैं कंट्रोल स्पेस से बताऊँ तो वो एक तो मेरे से की मांग रहे, की देने की हमें कोई जरूरत नहीं, अगर की देनी है तो आप यहाँ पे इस तरह ये की दे सकते हैं और यहाँ पे उसको बोल देंगे कि यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, और ये इसको मैं बोल देता हूँ ये कॉन्स्टेंट। अच्छा मैं आपको इसके एक और मजे की चीज दिखाता हूँ, यही की मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, बताओ एरर आएगा कि नहीं आएगा? एरर आएगा कि नहीं आएगा? सर पता है, कोई रफ आइडिया? होपफुली आना चाहिए, नहीं आएगा? आएगा, ये एरर आ रहे जी सर। अच्छा अच्छा ईच चाइल्ड मस्ट बी लीड आउट एग्जैक्टली वंस, वो क्या कर रहा है कि आपका जो चाइल्ड डुप्लीकेट की फाउंड, मतलब एक ही जो आपकी की है वो आपने क्या किया है डुप्लीकेट करती है, मीनवाइल की जो होती है हमारी ये हमसे पता चला है कि ये यूनिक होती है, ये हर एक विजिट के लिए अलग होती है, ठीक है जी सर। अब यहाँ पे मैं या तो इसका एक नेम चेंज करूंगा या फिर इसके अंदर मैं ये रिमूव करके इसके हर एक के अंदर क्या पास करूंगा, आइकन नहीं यूनिक की, या मैं यूनिक की पास करूंगा, ठीक है ओके सर। अब मैं यहाँ पे भी ये रिमूव करके मैं यूनिक की कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, वो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा, वो बोलेगा कि हाँ ये जो मेरी की है ये यूनिक है, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं, अब एरर नहीं आएगा हमारा, ये कम्प्लीटली रिस्टार्टेड हो गया तो अब हमारा इश्यू रिजॉल्व हो गया, ठीक है ओके। तो वो यहाँ पे डुप्लीकेट हुई हुई है, ये वाला इशू समझ आ गया आपको? इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ जी सर ओके। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आप यूनिक की देने के बाद अब इसके अंदर और क्या जा सकता है जी, आइकन जा सकता है। अब एक इसके अंदर मैं देता हूँ आइकन, तो पहले मैं कॉन्स्ट कर लूँ, बल्कि वो कॉन्स्टेंट होगा, ये जो है कॉन्स्ट करने की जरूरत नहीं, आइकन्स डॉट
इसके अंदर हम कर देते हैं ये, हम बंदा एक डाल देते हैं और साइज इसका 20 और इसको कर देते हैं कॉस्ट। ये हार्ड कोडेड है तो ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा। जब मैं प्रोफेशनली सिखाऊंगा फिर आपको ये आइकन वगैरह के साथ कॉस्ट वगैरह लगाना जो है ना वो भी आपको समझ आएगा। ऐसे स्क्रीन जरा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक सेकंड, एक चीज हम भूल गए थे कस्टम। अच्छा यहाँ पे तो हमने ये आइकन सेट कर दिया, यहाँ पे हमने नहीं आइकन सेट किया, ये वाला आइकन ये बाय डिफॉल्ट ही हमने सेट रहने दिए। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आइकन जो है ना इसको मैं कर दूंगा रिमूव और इसकी जगह पे मैं सिर्फ आइकन सेट कर दूंगा, आइकन वो वेरिएबल जो हमारा इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू। हाँ ठीक है, वो बोल रहा है कि इनवैलिड ये कांस्टेंट वैल्यू तो बोलते थे नहीं लेकिन कांस्टेंट रहने दो। यहाँ पे ये कांस्टेंट रिमूव कर देते ठीक है सर। ये ऊपर इसका वो बना हुआ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर रहे हैं आइकन को, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है सर। ये हमने इसको डिफॉल्ट दिया आइकन, ठीक है जी सर। अगर मतलब वो नहीं सेंड करेगा तो वो हार्ट ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा। ठीक है सर समझ आ गया। ओके तो मैं अब दूसरी साइड पे चलते हैं, कोड वाली साइड पे। साइज में इसका कर देता हूँ 35 और इसका कलर कर देते हैं रिस्टोर वाइट। ये इसको करते हैं एंटर ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। आइकन है और आइकन परसेंट के बाद इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं, यहाँ पे एंटर और यहाँ पे एंटर। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, मैं कंट्रोल ऑल टैब दबाता हूँ वो ऑटोमेटिकली इसको सारे को सेट कर देगा। ठीक है, अब ये ज्यादा अच्छे से क्लियरली आ मेरे पास निधि वाले। ये कस्टम कंटेनर है और कस्टम कंटेनर के अंदर क्या जा रहा है, सिर्फ एक आइकन जा रहा है। ठीक है यस सर। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके आप लोगों के साथ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो वो देखे वो उसका आइकन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है यस सर। तो अब हम मैं ये दूसरे कोड वाली साइड पे आता हूँ। तो एक ये आइकन है, मैं बस ये इसका आइकन का कोड जो है ना ये मैं कॉपी करने लगा हूँ और मैं फिलहाल कुछ नहीं करूँगा। आइकन का कोड कॉपी करके कंटेनर यूनिक की थी इसके अंदर एक और दूसरी जो हमने भेजना आइकन कोड कॉपी कर पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम आइकन क्या कर देंगे पर्सन की बजाय कुछ और देख लेते हैं कौन से आइकन हैं। चलिए ये एक बुकमार्क है, इसको इसको सेट कर देते हैं। ठीक है तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ ये किस तरह विजिबल होगा। ठीक है जी सर। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि जब हम चीजों को प्रोफेशनली करते हैं तो वो किस तरह के अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते होते हैं। ये फ्लटर की ब्यूटी है कि हमें जो काम एक कर दिए वो बार बार उसका कोड हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता जी सर। मतलब ये चीज अगर ऐप में कहीं भी यूज होगी तो मैं यहाँ से इसको कॉल करके वहां पे अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूँ। अब बैकग्राउंड पीछे अब हम बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हम देखते हैं कि वो किस तरह हम चेंज करेंगे या वो लोग आप खुद करोगे। सर वो हम खुद कर लेंगे। अच्छा सर एक और चीज पूछनी है, सही तो आईडी कम्युनिटी चलाने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो का होना ये जरूरी है? एंड्रॉइड स्टूडियो का नहीं, एंड्रॉइड एसडीके होना जरूरी है। एंड्रॉइड एसडीके जी। तो अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलड नहीं है तो आप तो भी इसके अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने वीडियो जो लिंक दिया हुआ है उसके अंदर देखे मैंने इंटेलिजे में सारा इसका एंड्रॉइड एसडीके इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है जी सर। तो आप वो वीडियो देख लें आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर। सर क्योंकि सर वो पिछली एसडीके डिलीट नहीं हो रही
प्रीवियस एसडीके आपको डिलीट करनी पड़ेगी, आप एक दफा रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करने के बाद उसके बाद आप डिलीट करेंगे, ठीक है जी सर, थैंक यू। ओके जी, समझ लग गई जी सर। ओके तो एक हमारे पास एक चीज होती है, बॉटम में हम कुछ चीजें सेट करते हैं, वो होती है इसके अंदर एक बॉटम शीट। और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ लिस्ट ट्रायल, एक विजिट है लिस्ट ट्रायल, और इसको मैं दे देता हूँ ट्रायल कलर, दे देता हूँ कलर्स ड्रॉप्ड ग्रीन ही कर देते हैं, कॉन्स्ट कर दूँ टाइटर बॉटम, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये अभी किस तरह विजिबल होता है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। होपफुली अब आपको चीजों को समझ लग गई होगी। इसको बोलते हैं मैप बार, एक सेकंड रिप्रेजेंट हो रहे, इस चीज को हम बोलते हैं ऐप बार फ्लटर के अंदर, ठीक है जी सर। ये यहाँ पे हमारा कंटेंट होता है, जितना भी हमने शो करवाना होता है, ये हमारा कंटेंट वाला एरिया है। ओके सर। और ये है हमारी बॉटम शीट, जो बॉटम में हमारी चीजें होती है, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर है। ये जो हम व्हाट्सएप वगैरह जो हम यूज करते हैं, वो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए यहाँ पे ही ऑप्शन होती है और यहाँ पे सारा कुछ हुआ होता है, वो बॉटम शीट के अंदर हुआ होता है, फ्लटर के अंदर हम वो क्या करेंगे, बॉटम शीट के अंदर वो सारा डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो वो जिसके जैसे ही हम उसके अंदर टैप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फिर अप एंड डाउन होती है स्क्रीन के साइड के मुताबिक, ठीक है जी सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। तो आज आप लोगों को चीजों का डायनामिकली हमने किस तरह सेट करते हैं ये थोड़ा सा पता चला है कि एक प्रोफेशनल वे में हम एक ऐप को किस तरह लेके चलते हैं, किस तरह हम एक ये स्ट्रक्चर तो मैंने कल भी बताया था। अब हमने चीजों को पता चला कि हमारा जो कोड एक चीज हमें पता है बार बार यूज होनी, तो उसको हम ओवरकम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना जी सर। ओके तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। इसी स्क्रीन रिप्रेजेंट में ऑफ कर देता हूँ और ये रिकॉर्डिंग भी हमारी ऑफ हो गई।